أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين प्यारे स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने लास्ट टाइम सेकेंड चैप्टर कंप्लीट किया था और आप लोगों को ये भी मालूम है कि कल ट्यूसडे वाले दिन आपका सेकेंड चैप्टर की एक्सरसाइज 2.8, 2.9 और 2.10 यानी 10 का टेस्ट है। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 3 जिसकी फर्स्ट एक्सरसाइज है 3.1, उसका क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। ये इतनी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से कि यहाँ से मिनिमम 2 शॉर्ट क्वेश्चंस लाजमी आ जाते हैं, ठीक है, बोर्ड के एग्जाम्स के अंदर। तो आपने इस एक्सरसाइज के सिर्फ 4 सवाल है, आपने इनको अच्छे तरीके से करना है और इसका सारा का सारा कनेक्शन जो है थर्ड चैप्टर का वो सेकेंड चैप्टर से होगा। सो सेकेंड चैप्टर के फार्मूलाज आपने साथ साथ रिवाइज रखने हैं और सेकेंड चैप्टर की रिविजन भी आपने साथ साथ रखनी है ताकि आपको थर्ड चैप्टर करते हुए कोई प्रॉब्लम ना हो। बेटा पहला सवाल हमारे पास फाइंड डेल्टा वाई एंड डी वाई, जिसको डिफरेंशियल ऑफ वाई भी कहते हैं। इन दी केस वाई हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वन व्हेन एक्स चेंजेस फ्रॉम 3 to 3.0 और एक्स में क्या चेंजिंग हो रही है कि एक्स की इनिशियल वैल्यू 3 है लेकिन चेंजेस के बाद वो 3.02 हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, जैसा कि आप जानते हैं जब हमने सेकेंड चैप्टर पढ़ा था तो उसकी एक्सरसाइज 2.1 के अंदर हमने एक ही मेथड के 3 नाम पढ़े थे, अब इनिशियल मेथड, फर्स्ट प्रिंसिपल और बाय डेफिनेशन। उन्हीं में हम लोग गिविंग इंक्रीमेंट का कंसेप्ट यूज करते हैं, बिल्कुल गिविंग इंक्रीमेंट वाले कंसेप्ट से आपने डेटा वाले पढ़े, ठीक है स्टूडेंट्स। सो हम इसको स्टार्ट करते हैं बेटा। सॉल्यूशन y हमारे पास एक्स के माइनस वन और वेन एक्स चेंजेस फ्रॉम दिस, यानी ये जो फर्स्ट वैल्यूज है ये x है और ये जो वैल्यूज है इससे अगर हम लोग इसको माइनस करेंगे तो वो हमारे पास डेल्टा x आएगी। और याद रखिएगा कि डेल्टा x और dx ये दोनों इक्वल होते हैं, बट डेल्टा y इज नॉट इक्वल टू डी वाई, लेकिन डेल्टा y डी वाई के इक्वल है नहीं होगा। लिहाजा हमारे पास x की वैल्यू है 3 और डेल्टा x इज इक्वल टू डी एक्स, ये हमारे पास है 3.02 - 3 यानी कि 0.02। अरे बाबू स्टूडेंट्स, हाँ जी, अब आपने इस बात को मद्देनजर रखना है कि x हमारे पास कौन सी वैल्यू होगी, इनिशियल वैल्यूज, और डेल्टा x जो कि dx के इक्वल होता है इसकी वैल्यू क्या होगी, लास्ट वैल्यू में से फर्स्ट वैल्यू को माइनस कर देंगे। ये आंसर माइनस में भी आ सकता है आपके पास। अब बेटा हम लोग पहला स्टेप करते हैं गिविंग इंक्रीमेंट, स्टूडेंट्स आपको याद होगा गिविंग इंक्रीमेंट में हम लोग क्या करते थे कि जहां पे x होता था वहां पे x प्लस डेल्टा x लिखते थे, जहां पे y आता y प्लस डेल्टा y और जहां पे z आता था वहां पे डेल्टा y प्लस डेल्टा y, z आएगा तो z प्लस डेल्टा z, और अगर t आ जाएगा तो t प्लस डेल्टा t। अब स्टूडेंट्स हम इसमें इंक्रीमेंट करने लगे हैं, ये y है तो y प्लस डेल्टा y हो जाएगा, जहां पे x है वहां पे x प्लस डेल्टा x आ जाएगा और उसके वैसे माइनस वैसे हमें तो डेल्टा y की वैल्यू चाहिए, तो वाई का हम राइट साइड का आगे बैलेंस कर देंगे, जहां पे आपने किसी का स्क्वायर वगैरह ओपन नहीं करना, वाई की जगह वाई की वैल्यू सिंपल कर देते हैं। वाई की वैल्यू से हमारे पास एक्स के माइनस वन, याद है स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम, हमने क्या किया जस्ट वाई की जगह पे वाई प्लस डेल्टा वाई पुट कर दिया और एक्स की जगह पे एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अब हमने इसमें वैल्यूज पुट की, x हमारे पास कितना है 3 और डेल्टा x कितना है 0.02 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस x कितना है 3 का स्क्वायर माइनस 1, इसको प्लस करते हैं तो 3.02 का स्क्वायर
कैलकुलेट करने के बाद इसका स्केल है माइनस वन और ये नाइन माइनस वन माइनस एट हो जाएगा, माइनस वन माइनस एट माइनस नाइन बन जाएगा और इसका स्केल आपके पास क्या आ जाएगा 9.1204। ठीक है, माइनस कर देंगे माइनस वन और नाइन माइनस वन एट, सारी कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास आ जाएगा डेल्टा वाई इज इक्वल टू 0.1204। तो ये बेटा हमारे पास डेल्टा वाई की वैल्यूज आ गई है। इसी तरीके से हम डी वाई की वैल्यूज फाइंड करेंगे, इसी तरीके से अब डी वाई की वैल्यूज फाइंड की जाएगी। डी वाई का मतलब है डिफरेंशियल ऑफ वाई। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आ जाता है वाई इज इक्वल टू एक्स स्केल माइनस वन, टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड। बेटा जैसे डेरिवेटिव लेते थे उसमें हम डी वाई ओवर डी एक्स लिखते थे या डी ओवर डी एक्स लिखते थे, डिफरेंशियल में जस्ट डी लिखेंगे। डिफरेंशियल ऑफ वाई मीन डी वाई, डिफरेंशियल ऑफ एक्स स्केल, डिफरेंशियल ऑफ कॉन्स्टेंट। मेथड वही होगी, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होगा, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशियल भी जीरो होगा, एक्स स्केल का डेरिवेटिव टू एक्स होगा था और फिर हम बेस का दोबारा डेरिवेटिव लेते थे। इसमें क्या होगा कि एक्स स्केल का डेरिवेटिव डिफरेंशियल 2x ही होगा, लेकिन जब x का डिफरेंशियल लेंगे तो dx लिखा जाएगा। सो y का डिफरेंशियल dy आ जाएगा, x स्केल का डिफरेंशियल 2x और फिर x का दोबारा लेंगे तो dx, कांस्टेंट कांस्टेंट का 0 होगा। तो dy is equal to 2x dx। अब इसके वैल्यू को करते हैं बेटा, 2x हमारे पास 3 है और dx हमारे पास है 0.02। जब बेटा आप इन सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास आ जाएगा 0.12। क्या आ जाएगा? 0.12। जैसा कि आपको पता है जब हमने ये पढ़ा था कि डेल्टा वाई जो होता है वो डी वाई के इक्वल नहीं होता, इसका मतलब ये हुआ कि जब आप डेल्टा वाई की वैल्यू में से डी वाई की वैल्यूज को माइनस करेंगे तो वो जीरो नहीं आएगी, वो जीरो नहीं आएगी। हम इसे चेक कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि हमारा डी वाई और डेल्टा वाई दोनों सेम आए, ठीक आए या नहीं ठीक आए। डेल्टा वाई माइनस डी वाई, ये डेल्टा वाई हमारे पास कितना आया था 0.1204 और ये कितना आया 0.1। जब इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.0004। इट मीन्स कि ये जीरो नहीं आया, तो इन दोनों में डिफरेंस जीरो अगर नहीं आया तो इट मीन्स कि आपकी डेल्टा वाई और डी वाई की वैल्यू बिल्कुल ठीक आई है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि डेल्टा वाई और डी वाई इक्वल नहीं होते थे, डेल्टा एक्स और डी एक्स आपस में इक्वल होते हैं। तो ये था बेटा हमारा फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, जो बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन था जिसमें उसने कहा फाइंड डेल्टा वाई केसेस। केस क्या था हमारे पास, y की वैल्यू दी हुई थी x के माइनस वन व्हेन x चेंजेस फ्रॉम 3 टू 3.0 और उसमें हमें x की वैल्यू 3 दी गई थी और डेल्टा x की वैल्यू जिसको हम dx भी कहते हैं हमने कहा था वो लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं। तो हमने लास्ट टर्म में से जब फर्स्ट टर्म को माइनस किया तो वो हमारे पास आ गया 0.02। ठीक है, उसके बाद हमने कहा कि जब हमने डेल्टा वाई निकालना है तो हमें गिविंग इंक्रीमेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब गिविंग इंक्रीमेंट में क्या होता था, गिविंग इंक्रीमेंट में स्टूडेंट्स ये होता था कि जहां पे x आता है वहां पे हम x प्लस डेल्टा x पुट करते हैं, जहां पे y आता है वहां पे हम y प्लस डेल्टा y पुट करते हैं और जहां पे z आता है वहां पे हम z प्लस डेल्टा z पुट करते हैं। और अगर मैं ये कह दूं कि किसी जगह पे t आ जाए तो क्या करेंगे, जी t आ जाएगा तो t प्लस डेल्टा t पुट करेंगे। ये था गिविंग इंक्रीमेंट जो हमने सेकंड चैप्टर में भी पढ़ा था। अगर किसी स्टूडेंट ने सेकंड चैप्टर में नहीं पढ़ा तो मैंने दोबारा से रिपीट कर दिया ये टॉपिक। अच्छा, जब हमने गिविंग इंक्रीमेंट की तरफ आए तो हमने देखा वाई लिखा हुआ, हमने इस जगह पे क्या लिख दिया वाई प्लस डेल्टा वाई, एक्स है एक्स की जगह पे क्या आ गया एक्स प्लस डेल्टा एक्स, पावर वैसे ही आ गई माइनस वन वैसे ही आ गई।
अब हमें तो डेल्टा वाई की वैल्यू चाहिए थी, ये वाई प्लस हो रहा है, क्या हो गया माइनस, ठीक है। सो डेल्टा वाई इज इक्वल टू आ गया एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर माइनस वन माइनस वाई की वैल्यू, हमने वाई की वैल्यू चाहिए। स्टूडेंट याद रखिएगा, अगर वाई की वैल्यूज में टू और मोर देन टू टर्म्स होंगी तो ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि इस माइनस में उसके साइन चेंज करते हैं। अगर हम लोग माइनस का साइन ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो हमारी मिस्टेक्स हो जाएगी क्वेश्चन के अंदर। सो अब हमने क्या किया, एक्स की आर एक्स की वैल्यू पुट कर दी, डेल्टा एक्स की आर डेल्टा एक्स की वैल्यू पुट कर दी, माइनस वन वैसे आ गया माइनस वैसे आ गया, एक्स की जगह पर एक्स की वैल्यू पुट कर दी और माइनस वन वैसे आ गया। जब इनको ऐड किया तो 3.02 का स्क्वायर बन गया, माइनस वन वैसे आ गया, 3 का स्क्वायर 9 और माइनस वन ऐसे चीज आ गया। अब 3.02 का स्क्वायर दिया तो वो 9.1204 आ गया, माइनस वन वैसे आ गया, 9 माइनस वन 8 आ गया। अब 9.1204 में से माइनस वन और माइनस 8 माइनस 9, जब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.120। तो ये इस क्वेश्चन का पहला पार्ट सॉल्व हो गया डेल्टा वाई। अब इसका सेकंड पार्ट क्या था, डी वाई, यानी कि डिफरेंशियल ऑफ वाई। अब डिफरेंशियल ऑफ वाई के लिए हमने कहा कि दोबारा से इस क्वेश्चन में ये इक्वेशन जो भी हमारे पास है y = x² - 1 टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड। देखो डेरिवेटिव में हम क्या लिखते होते थे, डेरिवेटिव में हम लिखते थे dy / dx या इसी तरह dx² / dx, यानी ओवर की फॉर्म में डेरिवेटिव को लिखते हैं और डिफरेंशियल में सिर्फ डी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फंक्शन तकरीबन इन दोनों में सेम ही है, ठीक है, वे ऑफ टीचिंग थोड़ा डिफरेंट है। सो हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड, वाई का डिफरेंशियल लेंगे तो क्या आ जाएगा डी वाई, एक्स के का डिफरेंशियल लेंगे तो क्या आ जाएगा टू एक्स डी एक्स, और कॉन्स्टेंट का लेंगे तो क्या आ जाएगा जीरो। अब हमारे पास डी वाई इज इक्वल टू क्या बन गया, टू एक्स थ्री, dy का डिफरेंशियल y का डिफरेंशियल dy आ गया, x स्क्वायर का 2x, जैसे डेरिवेटिव भी 2x होता था, फिर हम कहते थे बेस का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे, इसमें हम कहेंगे बेस का दोबारा डिफरेंशियल लेंगे। तो x का डिफरेंशियल क्या होता है dx, कांस्टेंट का 0 है, ठीक है। अब हमने x की जगह पे x की वैल्यू पुट कर दी और dx हमने कहा था डेल्टा x और dx इक्वल होते हैं, तो डेल्टा x की वैल्यू जितनी यही है और dx की वैल्यू भी बेटा यही है, ये हमने यहां पुट कर दी, इनको मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 0.1। आपको याद होगा हमने बताया, मैंने आपको पहले बताया था कि डेल्टा एक्स और डी एक्स ये दोनों बेटा आपस में इक्वल होते हैं, जबकि डेल्टा वाई और डी वाई जो है ये आपस में इक्वल नहीं होते। अब हम इसे चेक करते हैं कि बाकी ऐसा होता है या नहीं होता। तो मैंने क्या कहा कि डेल्टा वाई में से डी वाई निकाल दें, डेल्टा वाई की वैल्यू क्या थी हमारे पास 0.1204 और डी वाई की क्या थी 0.12, जब इनको माइनस किया था हमारे पास क्या आ गया 0.0004। तो ये था ये स्टूडेंट्स, इससे ये चीज वेरीफाई कर दी कि हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, कि डेल्टा वाई अगर डी वाई के इक्वल होता तो हमारे पास आंसर जीरो आता। इसका आंसर जीरो नहीं आया, इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ चेंज है जो इस चीज की क्लैरिटी दे रहा है कि हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। इसी तरीके से बेटा इसके रिमेनिंग पार्ट्स आपने बुक करने हैं, इंशाल्लाह कल हम इससे आगे स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज। जिन बच्चों ने स्क्रीन शॉट लेना है स्क्रीन शॉट ले लें, जिन्हें नोट करना है जल्दी से नोट कर लें।